ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए ऑल न्यू 2019 जो आपकी हुंडई एलाइट i20 है उसका आप ये मैग्ना प्लस मॉडल देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत समय से पूछ रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे मॉडल्स अवेलेबल होते जा रहे हैं मैं आपके लिए उनका रिव्यू लेकर आ रहा हूँ। तो आप अगर ये मॉडल्स लेना चाहते थे तो अपने नियरेस्ट हुंडई शोरूम विजिट कर सकते हो और आप इसको परचेज कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। वीडियो आप अगर पूरा देखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको साइड्स में शॉर्ट्स में मिलेगी। सारे मैं फीचर्स इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपने हर वीडियो में जो जिस मॉडल से रिलेट करते हैं, इतना आपको पता होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिसमें कि कोई भी मेरा आगे वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर गाड़ी के बारे में मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। यहाँ पे जो इसका फ्रंट प्रोफाइल है वो आप देख लीजिए तो अच्छे से आपको फ्रंट का आइडिया लगेगा। यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो। अब चलते हैं गाड़ी के पास में और जिसका एक क्लोज लुक है, जैसे हमेशा मैं आपको क्लोज व्यू भी दे देता हूं तो अच्छे से आप पूरा क्लोज व्यू ले सकते हो मैग्ना प्लस मॉडल का। नीचे आप देखते हैं तो आपका जो एलईडी डीआरएल है, जो आपका फॉग लैंप है वो आपको अवेलेबल है मैग्ना प्लस में। अब यहाँ पे जो आपने हेडलैम्प्स हैं वो देख रहे हैं तो नॉर्मल कन्वेंशनल क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, डिज़ाइन लगभग आपकी वैसी ही है। फ्रंट का आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा, थोड़ा मैं और पीछे से भी दिखा देता हूँ तो आप अगर अच्छे से देखना चाहते हो। अब चलेंगे गाड़ी का जो साइड व्यू है वो आपको दिखाएंगे तो साइड प्रोफाइल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट वन फ्रेम व्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है i20, इतना तो आपको पता ही होगा, बहुत ही हैवी अमाउंट्स में बिकती है, बहुत ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है अभी तक। आप अगर ये गाड़ी चला रहे हैं तो आपके व्यूज़ कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो अपने आप व्हील्स हैं वो देख रहे हैं तो आपको इसमें अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं मिलते हैं, आपके जो व्हील कवर है दिया गया सिल्वर फिनिश पे। इंडिकेटर इंसर्ट भी आपको साइड बॉडी में इनकलकेटेड मिलता है, आपका जो ORVM है उसमें नहीं मिलता है। ORVM ज़रूर आपको बॉडी कलर पर दिया गया है, ब्लैक एंड फिनिश आप यहाँ पर देख रहे हो। साथ में जो आपका डोर हैंडल है ये भी आपको बॉडी कलर पर अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों साइड का आपको आइडिया लग गया होगा। अब जो इसका टॉप है वो भी आप देख लीजिए तो रूफ टॉप भी आप देख सकते हो, बाकी जो आपका एंटीना है आपकी FM के लिए वो आपको दे दिया गया है। चलते हैं पीछे की तरफ और जो बैक प्रोफाइल है वो आपको दिखाते जाते हैं। तो अब कम्प्लीटली हम लोग बैक प्रोफाइल पे आ गए हैं, जो बैक है गाड़ी का वो आप यहाँ पे देख रहे हो। आपका जो हाई स्टॉप लैंप हो गया, आपका जो डिफॉगर वगैरह वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, आपका जो रियर वाइपर है वो भी अवेलेबल नहीं है। चेक करेंगे कैमरे के लिए तो कैमरा भी नहीं है, लेकिन पार्किंग सेंसर्स अब आपको इस मॉडल में देखने को मिलेंगे, पार्किंग सेंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो आपका अदर साइड है वो आप देख रहे हैं तो आपका जो फ्यूल इनटेक एरिया है वो आप देख लीजिए। तो गाड़ी का शेयर लगभग अभी तक मैंने कवर कर दिया है। अब इसकी जो की है वो मैं दिखाना चाहूँगा, तो एक की आपकी रिमोट हो गई, एक की नॉर्मल हो गई। की में जो बटन हैं उसकी बात करते हैं तो आपका लॉक अनलॉक बटन है, आपका जो बूट ओपनर है वो आपको दिया गया है, प्रेस करके रखेंगे और आपका बूट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टेलगेट है उसको फटाक से ओपन करते हैं और जो स्पेस है वो आपको दिखाते हैं। तो हमेशा मैं बात करता रहा हूँ कि हैचबैक के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया सी स्पेस i20 में मिलती है, शायद इसीलिए पॉपुलर भी है गाड़ी, परफॉर्मेंस वाइज स्पेस वाइज गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप सबके जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं तो आप अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पे जो इसका एक्सटीरियर था मैंने आपसे लगभग शेयर कर दिया है। यहाँ पे जो आप ब्लैक एंड फिनिश देखते हैं, जो पियानो फिनिश देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया सा फील देती है गाड़ी को, मेरे को स्पेशली ये बहुत बढ़िया लगती है। बाकी जो पीछे की ब्रांडिंग है आप देख सकते हैं i20 हुंडई क्रोम पे दिया जाता है, मैग्ना की आपको यहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती है। आपको इसमें जो फीचर्स हैं उससे ही केवल आप बता सकते हो कि ये मैग्ना प्लस मॉडल है। अब यहाँ पे दोस्तों जो एक्सटीरियर था मेरे हिसाब से मैंने पूरा आपसे शेयर कर दिया है। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर बात करेंगे कि अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो लेट्स गो इनसाइड। तो पहले आप बाहर से देखना चाहते होगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ हमेशा। तो डुअल टोन आपको देखने को मिल रही है, मेजर पोर्शन आपको यहाँ पे ब्लैक ही है बेस, तो लाइवली इंटीरियर तो है, आप ये मेरे कैमरे के थ्रू देख सकते हो, बहुत ही लाइवली और बड़ा सा इंटीरियर आपको मिलेगा यहाँ पे। बाकी जो डोर्स हैं वो आप देख लीजिए तो आपको डुअल टोन डोर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी डोर पॉकेट्स हैं, आगे पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, आपके ओवरवे में एडजस्टर हैं, साथ में जो आपकी बोल सकते हैं कि डोर खोलने के लिए हैंडल है मिलता है सिल्वर फिनिश पे। डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बाकी जो सीट की एडजस्टमेंट्स हैं वो चेक करते हैं तो इसमें केवल दोस्तों आपको जो बैक एडजस्टर है वो दिया गया है, हाइट एडजस्ट आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है, ये आप देख सकते हो। केवल आपका जो बैक एडजस्टर है वो अवेलेबल है, आप इसके टॉप एंड्स खरीद सकते हैं अगर आपको ये सब फीचर्स चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे का भी लुक ले लीजिए आप। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको लगभग बाहर से एक फेयर व्यू दे दिया है। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर मैग्ना प्लस मॉडल के अंदर और अंदर बैठकर बात करेंगे कि अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, बैठने में कैसा लगता है इस नए मॉडल में। तो लेट्स गो इनसाइड द
कार। तो यहाँ पे मैं अब i20 Elite का जो मैग्ना प्लस मॉडल है उसके मैं अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप अच्छे से पूरा इसका जो डैशबोर्ड है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो डोर की फिनिश बटन्स वगैरह थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी, यहाँ पे जो आपके लाइट एडजस्टर्स हैं वो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आपका बोनट ओपनर है वो आप देख रहे हो, इधर आपका जो फ्यूल लिड ओपनर है वो आप देख रहे हो यहाँ पे, बाकी जो आपके एसी वेंट्स हैं वो आप देख लीजिए। तो पूरा आपको सिल्वर फिनिश के बीच में एसी वेंट्स प्रोवाइड करे गए हैं। ऊपर आप अपना जो डैशबोर्ड है वो देख लीजिए, तो आपको डुअल फिनिश यहाँ देखने को मिलती है और ये तो मॉडल वाइज कॉमन ही रहती है। आप स्पेसेस देख सकते हैं, बहुत ही ब्रॉड पूरा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। चलते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो आपका आरपीएम मीटर हो गया, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, एमआईडी हो गया, आपका यहाँ पे जो स्पीडोमीटर है वो आप देख रहे हो यहाँ पे सामने, आप देखते हैं तो आपका टेम्परेचर है, आपका जो एवरेज स्पीड बोल सकते हैं, साथ में जो आपका फ्यूल गेज है, ट्रिप है, इसके अलावा टेम्परेचर है, ओडो है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले पाओगे। बाकी जो और भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी हमेशा की तरह साइड में शॉर्ट्स में मिलेगी। अगर आप दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ ध्यान देते हैं तो व्यूइंग आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है, कहीं भी कोई कंजूसी नहीं करी गई है, बहुत ही पूरा ब्रॉड व्यू देने की कोशिश है कंपनी की और बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे व्यू मिलता है। टॉगल्स की दोस्तों बात करते हैं तो आपका ये है वाइपर का टॉगल, इधर आपका है इंडिकेटर और लाइट का टॉगल। अब स्टेयरिंग दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हैं मैग्ना प्लस की स्टेयरिंग। तो यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स हैं, आपके जो कॉलिंग कंट्रोल्स हैं, आपके जो मीडिया कंट्रोल्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। रीसेट ट्रिप भी आपको यहीं पे मिलता है। अब यहाँ पे इस मॉडल में आपको ब्लूटूथ भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो कॉलिंग वगैरह वो भी आप कर सकते हो, पहले आपको ये नहीं मिलता था। अब यहाँ पे जो इसका मिडिल पोर्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अच्छे से आप पूरे मिडिल का आइडिया ले लोगे यहाँ पे। तो मिडिल पोर्शन आप देख रहे हैं इधर, तो यहाँ पे आपके जो एसी वेंट्स हो गए इनमें कोई चेंज नहीं, मॉडल वाइज सारे सेम मिलते हैं, लॉन्गेटेड। यहाँ पे आपको कोई टच का सिस्टम नहीं मिलता है, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सिस्टम आता है या मिरर लिंक वाला आता है उसके लिए आपको इनके टॉप एंड्स खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पे जो स्क्रीन साइज़ है वो ज़रूर बढ़िया दिया गया, तो आपको विजिबिलिटी बहुत बढ़िया मिलेगी। यहाँ पे जो बटन्स हैं वो आप देख सकते हो, मतलब कि बटन कंट्रोल्स के साथ ही आपको उसको ऑपरेट करना है। आपका मेन्यू है, सेटअप है, क्लॉक है, बैक है, फोल्डर है, रेडियो है, मीडिया है, फोन है, सीक ट्रैक है। नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, आपका जो दो रोटरी नॉब है वो आप देख सकते हो, एंटर, ट्यून, वॉल्यूम, पावर, पुश। तो ये आपके सारे ऑपरेशंस हो गए। अब दोस्तों आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे आपके जो एसी कंट्रोल एरिया है वो आप देख रहे हो, तो इसमें आपको कोई ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, रोटरी नॉब्स नॉर्मल दी गई है, पैनो फिनिश का यूज किया गया है। और नीचे अगर आप आते हैं तो आपका है 12 वोल्ट का सॉकेट, आपका यूएसबी, मतलब यूएसबी में कोई म्यूजिक वगैरह इंसर्ट करके आप यहाँ प्ले कर सकते हो, आपके मोबाइल में कोई म्यूजिक है तो कनेक्ट करके आप प्ले कर सकते हो अपने मोबाइल से ऑक्स केबल को। यहाँ पे आप देखते हैं कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस, आपका जो गियरबॉक्स है ये 5-speed गियरबॉक्स मॉडल विद रिवर्स, साइड में आप देखते हैं तो पूरा सिल्वर फिनिश का यूज आपको देखने को मिलेगा। इधर आप देखते हैं तो आपके हैं दो कप होल्डर्स और आपका जो क्लीन इंडिया इनिशिएटिव है हुंडई का, जो स्वच्छ कैन बोलते हैं वो आपको यहाँ दे दिया गया है। ये मुझे बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लगता है हुंडई की तरफ से, आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं ज़रूर बताइएगा। आपका जो हैंड ब्रेक है मिलता है सिल्वर बटन के साथ। यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है ये आपको फिक्स्ड मिलता है, आपको मूवेबल नहीं मिलता है। अंदर की जो स्पेस है वो आप देख लीजिए, तो ठीक ठाक स्पेस यहाँ पर दी गई है, इसको आप यूज़ कर सकते हो जैसे आप चाहते हो। चलेंगे को ड्राइवर के साइड, जो इसका ग्लव बॉक्स है वो ओपन कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे कूलिंग वेंट देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हो। तो क्या बात है दोस्तों, कूलिंग फीचर भी आपको इसे मिलता है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। ये आप कूलिंग वेंट है यहाँ पे देख सकते हो, तो अच्छी बात है, ब्रॉड स्पेस भी दी गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करते हैं वैनिटी मिरर के लिए, तो आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर को ड्राइवर साइड दे दिया गया है। चेक करते हैं ड्राइवर साइड, तो ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सेपरेटली स्विचेबल आपकी जो लाइट्स हैं, केबिन लाइट्स हैं, वो प्रोवाइड करी गई हैं। आपका जो सनग्लास होल्डर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी अवेलेबल है, तो कस्टमर के कन्वीनियंस का ख्याल रखा गया है। जो दोस्तों आपका डैशबोर्ड था, जो फ्रंट था, वो मैंने पूरा आपसे शेयर कर दिया है, सारे फीचर्स कवर करने की कोशिश करी है। साइड में शॉर्ट्स में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस मॉडल के बारे में मिल गई होगी। मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसी मॉडल की देता हूँ हर गाड़ी में जो जिस मॉडल से रिलेट करती है, इतना तो आपको पता होगा। साथ में यहाँ पे जो आपका जितने भी कंट्रोल्स थे वो भी सब मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों अब जो गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट है वहाँ बैठकर देखेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो उसके लिए चलेंगे गाड़ी की रियर सीट में, सेकंड रो ऑफ सीट में। तो लेट्स गो टू द सेकंड रो ऑफ सीट्स। यहाँ पे दोस्तों आप जो मैग्ना प्लस मॉडल है उसका आप रियर सीटिंग देख रहे हैं, तो आप अच्छे यहाँ पे देखते हैं जो आपके हेडरेस्ट हैं ये आपको इनबिल्ट मिलते हैं आपकी सीट्स में। यहाँ पे कोई भी आपको हैंडरेस्ट या जो बोलते हैं आपके कप होल्डर्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। जो आपका रियर डोर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, तो रियर डोर आप देख लीजिए, आपके जो डोर पॉकेट्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, डुअल फिनिश है वो आपको यूज़ में यहाँ पे देखने को मिलती है। आपका जो डोर हैंडल है ये आपको दिया गया सिल्वर फिनिश पे डोर खोलने के लिए। तो अब चलेंगे गाड़ी के अंदर हमेशा की तरह और बैठ कर देख लेंगे कि बैठने में कैसा लगता है।
तो मेरी हाइट 6 फीट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी सीट कितनी पीछे है, फिर भी मैं यहाँ पे आराम से बैठ गया हूँ और हेडरूम का भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको जो केबिन लाइट है आपको सेंटर में भी प्रोवाइड करी गई है, तो दो आपको दो आगे और एक यहाँ पे, तो पूरे केबिन में आपको बहुत ही बढ़िया रोशनी मिलेगी। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके जो ग्रैब हैंडल्स हैं आपको मिलते हैं तीनों डोर्स पे, ड्राइवर साइड की ज़रूरत नहीं होती है। इस मॉडल में भी आपको जो रियर एसी वेंट्स हैं वो दिए गए हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, हैट्स ऑफ टू हुंडई कि उन्होंने ये सोचा और यहाँ पे ये प्रोवाइड करा गया है, और कोई भी सॉकेट वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये फीचर तो बहुत ही मैंडेटरी है आज के यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से, इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हमेशा मैं आपसे हर वीडियो में बात बोलता हूँ। बाकी जो आपकी सीट बेल्ट वगैरह है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका मिडिल है, जो डैशबोर्ड है, वो आप एक फ्रेम लुक ले लीजिए, हमेशा मैं आपको वीडियो ख़त्म करने के दौरान आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि गाड़ी की जब आप अंदर आते हो सबसे पहले लुक आपका इसी पे जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको साइड्स में, शॉर्ट्स में मैग्ना प्लस मॉडल के बारे में मिल गई होगी। कोई क्वेरी होती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट्स में पोस्ट करके। यहाँ पे दोस्तों पूरा व्यू मैंने दे दिया है, सारे फीचर्स बता दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक भी दे दिया है। तो अब मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, देखते रहिए ज्ञानी इनफ। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर कोई और गाड़ी का रिव्यू देखना है तो आप नीचे पोस्ट कर सकते हो कमेंट्स में, वो भी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। और प्लेलिस्ट ऑप्शन भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अधिकतर सारे मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कंपनी वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। तब तक लिए दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।